कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे उनको वापस कांग्रेस में लाया जाए, कांग्रेस को मजबूत किया जाए। लेकिन क्योंकि हरीश रावत की नाराजगी थी, उनकी सरकार इन लोगों की वजह से गिरी थी, और यही कहा जा सकता है कि बड़ा खामियाजा कांग्रेस को उस समय भुगतना पड़ा था। इसीलिए हरीश रावत नहीं चाहते थे कि बिना अनुमति के किसी को भी वापस कांग्रेस में लिया जाए। हालांकि हरक सिंह रावत कई बार खुले मन से माफी मांगते हुए भी नजर आए, और ये बड़ी चीज यह है कि इनके बीच में जो बात कहा जा सकता है कि समन्वय बनाने की कोशिश गणेश गोदियाल करते हुए नजर आए, जिसकी खबर हमने बहुत प्रमुखता से दिखाई थी, और यशपाल आर्य भी उसमें बैठे हुए थे, हरीश रावत भी उसमें बैठे हुए थे, और गणेश गोदियाल ने अपने फोन के जरिए हरक सिंह रावत और हरीश रावत की बात की थी, जिसमें हरीश रावत ने यह भी कहा था कि सांप और नेवले दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि जनता की भलाई के लिए ये भी जरूरी है। तो ये साफ था कि इशारों उशारों में बात जरूर हो रही थी, और उसके बाद हरक सिंह रावत ने माफी खुले मन से हरीश रावत से मांगी थी, क्योंकि हरीश रावत ने जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे उनको कांग्रेस में आने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके तुरंत बाद ही हरक सिंह रावत ने खुले मन से माफी भी मांग ली थी। बिल्कुल सुभाष, और जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से हम नजर बनाए हुए हैं, आप भी जमीन पर हैं, आप भी देहरादून में हैं, लेकिन सुभाष रोज नया दिन और एक नई खबर आ रही है, बड़ी खबर लगातार उत्तराखंड से आ रही है, और उत्तराखंड की राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित भी कर रही है। हरक सिंह रावत साहब ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, आगे की रणनीति क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये साफ है, कावेंद्र की जो पुराना गुट था, हरक सिंह रावत की जो टीम थी, वो वापस कांग्रेस में जा सकती है, और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, चाहे वो हरक सिंह रावत हो या फिर उमेश शर्मा का हो, ये दोनों का तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि जल्द ही कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन हरक सिंह रावत एक बड़े नेता हैं, और क्योंकि हरक सिंह रावत के पास कई अन्य और भी नेता हैं, चाहे वो भाजपा के विधायक हों या फिर उनके साथ आए हुए बागी नेता हों, वो तमाम नेता वापस कांग्रेस में जा सकते हैं, और कुछ नए नेताओं को भी वो कांग्रेस में ज्वाइन करा सकते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक बड़ा समीकरण बदल सकता है उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि भाजपा ये उम्मीद कर रही थी कि हरक सिंह रावत कोटद्वार से चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ ही जो बगावत के सूर्य वो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा थी, और कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी घर वापसी करनी ही थी, क्योंकि वो भाजपा में कहा जा सकता है कि एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे उनके तमाम जो नेता हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब वो बड़ा दिन कब आएगा जब ये तमाम नेता कांग्रेस में शामिल होंगे, और एक बड़ी चीज ये है कि इनके शामिल होने से पहले हाईकमान ने यह तय कर दिया है कि चेहरा हरीश रावत होंगे, यानी कि जो बगावत के सुर आगे बनते कांग्रेस में वो ना बने, उसके लिए रास्ता हाईकमान द्वारा पहले ही निकाल दिया गया है कि जो चेहरा होंगे वो हरीश रावत होंगे और हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, और सुभाष उसके बाद हरक सिंह रावत की वापसी की तैयारियां भी अब नजर आने लगी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सुभाष, जब राजनीतिक पंडितों से हम बातचीत करते हैं, वो सियासी मौसम की आबो हवा क्या कुछ है जब उसको बताते हैं, तो दरअसल इस तरीके से बताया जाता है कि जिस पार्टी की तरफ ज्यादा बड़े नेता भागते हैं, दरबदल हर बार होता है, लेकिन ज्यादा नेता जिस तरफ भागते दिखते हैं, ऐसा लगता है कि इस पार्टी को इस बार जीतते हुए देखा जा रहा है, तो माहौल तो थोड़ा बनता है। बिल्कुल माहौल बनता है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि हरक सिंह रावत पिछले कहा जा सकता है चुनाव से 10 दिन पहले ही तैयारी करते हैं और सीट बदलने में बहुत माहिर हैं, विधानसभा की सीट वो हमेशा बदलते हैं, और अब वो पार्टियां बदलने में माहिर हो चुके हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब हरक सिंह रावत कोटद्वार से चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, वो कांग्रेस के अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं जल्दी तो वो कांग्रेस में किसी और सीट से टिकट मांगेंगे, वो कोटद्वार से चुनाव लड़ते हुए भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सीट बदली जाए, और उसका लगातार वो लंबे समय से हाईकमान से मुलाकात करने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी चीज और है, कल हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली में उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, अनिल बलूनी से मुलाकात की, तो कहा जा सकता है कि उन्होंने वहां अपनी बात जरूर रखी होगी, लेकिन उसके बावजूद अब वो ये रास्ता साफ हो चुका है कि हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा का और कई अन्य नेता या कहा जा सकता है कई अन्य विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और जैसे कि ये भी साफ है कि गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि चुनाव आते आते आप देखिएगा कि किस तरीके से बदलाव होता है, हमारे साथी हैं वो वापसी करेंगे, और भाजपा के एक दर्जन से अधिक जो विधायक हैं वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, और यही बात पूर्व मंत्री
राजेंद्र भंडारी ने भी हमारे इंटरव्यू में कहा था कि आचार संहिता लगते आप देखिएगा कि किस तरीके का बदलाव कांग्रेस में होगा, किस तरीके से भाजपा को छोड़ते हुए कई बड़े नेता आपको नजर आएंगे, और वो चीजें अब धीरे धीरे दिखने भी लगी वो चीजें अब धीरे धीरे दिखने भी लगी है। लेकिन सुभाष ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कल एक ट्वीट आता है हरीश रावत जी की तरफ से, उसके बाद पूरा सियासी पारा जो है वो पलट जाता है, आज उसको थामने की कोशिश की जाती है और लगभग लगभग वो चीजें थम भी जाती हैं। लेकिन क्या ऐसे में अब कांग्रेस तैयार है, उत्तराखंड कांग्रेस तैयार है कि इतनी उथल पुथल से, इतनी बड़ी सुनामी से निकलने के बाद तुरंत एक बड़े नेता को पार्टी में समाहित करें, कहीं इससे और ज्यादा अंदर भितरघात तो नहीं होगा, और ज्यादा अंदर कुछ समस्याएं तो खड़ी नहीं हो जाएंगी पार्टी के अंदर? कावेंद्र, इन बड़े चेहरों का तो कांग्रेस इंतजार कर रही थी, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस चाहती थी कि हरक सिंह रावत और तमाम बड़े नेता कब वापसी करेंगे, लेकिन बड़ी चीज है उमेश शर्मा काऊ की वापसी पे, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ की वापसी कहीं ना कहीं उस रायपुर विधानसभा सीट में बगावत जरूर कर सकती है, क्योंकि कहीं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कांग्रेस के बड़े नेता, और इसके साथ ही गुरुजी एक बड़े नेता थे भाजपा के, आरएसएस के कट्टर आरएसएस भी माने जाते थे और भाजपा संघ से वो जुड़े थे। उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले ही हरीश रावत के नेतृत्व में भाजपा छोड़ कांग्रेस में वो शामिल हुए थे, और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो अब रायपुर से चुनाव लड़ेंगे उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ, लेकिन अब उमेश शर्मा काऊ भाजपा को छोड़कर वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि रायपुर विधानसभा सीट पर घमासान जरूर हो सकता है। और उमेश शर्मा काऊ का इस नाराजगी का मुख्य कारण ये भी था कि वो जानते थे कि इस सीट पर कई बड़े नेताओं की नजर है और वो बड़े नेता उनकी सीट गवा सकते हैं, उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर उनको पहले से ही पता था कि बड़ा खामियाजा वो भुगत सकते हैं भाजपा में रहते हुए, इसलिए उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की और इंतजार किया कि हरत सिंह रावत कब पासा पलटेंगे और कब वो उनके साथ हो लेंगे। जैसे ही हरत सिंह रावत ने इस्तीफा दिया उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और साथ ही अब तो इंतजार करना होगा कि और कई नेता कई विधायक कब तक इस्तीफा देते हैं और कब तक वो कांग्रेस में जाने की तैयारी करते हैं। जी ठीक है, तो जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव और लगातार ये बड़ी ब्रेकिंग खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि उत्तराखंड की सियासत को कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ प्रभावित करता है। ऐसे में ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, एक और चीज जानना चाहेंगे क्योंकि आप उत्तराखंड की सियासत को बड़ी करीब से समझते हैं, तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि हरक सिंह रावत जब बीजेपी में आए सब कुछ ठीक था, लेकिन समस्याएं कब से खड़ी होना शुरू हुई? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत भाजपा में जाने के बाद एडजस्ट ही नहीं हो पाए। शुरुआत जैसे ही उनको मंत्री पद दिया गया उसके बाद से उनकी नाराजगी देखने को मिलती थी, क्योंकि विभागीय जो अधिकारी थे वो बिना मंत्री की अनुमति के कई बड़े कार्य कर देते थे, कई कार्यक्रमों में देखा जाता था कि जो मंत्री हैं उनको बुलाया नहीं जाता था, तो कुल मिला के नाराजगी जरूर थी। और त्रिवेंद्र रावत सरकार में सबसे ज्यादा वो खफा थे, खासतौर से मुख्यमंत्री से भी वो खफा थे, और उनका कई बार वो हाईकमान से भी मुलाकात करने पहुंचे इस बात को लेकर, लेकिन ये बात साफ थी कि चुनाव आते आते हरक सिंह रावत भाजपा को अलविदा कहेंगे और कांग्रेस का दामन थामेंगे, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिस पार्टी में हरक सिंह रावत बेहतर तरीके से एडजस्ट होते हैं। और एक बड़ी चीज ये भी है कि हरक सिंह चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और वो जानते थे कि भाजपा में उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा, और इसी कारण से उन्होंने कहा जा सकता है कि कांग्रेस का दामन थामा है, और यदि वो कांग्रेस में रहते तो शायद इस समय वो अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री की करते हुए नजर आते, लेकिन क्योंकि 2016 में वो भाजपा में शामिल हुआ मंत्री के तौर में उन्होंने लगातार अपना कार्यकाल पूरा किया। और एक बड़ी चीज और मैं आपको कावेंद्र बता दूं कि हरक सिंह रावत पहले ऐसे नेता हैं उत्तराखंड के जिन्होंने आज तक अपने मंत्री पद का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, और भाजपा में भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया, कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिला के ये साफ है कि बड़ी नाराजगी अब कांग्रेस भाजपा में देखने को मिली थी, और अब खुशी की लहर कांग्रेस में आपको देखने को मिल सकती है। जी जी बिल्कुल सुभाष, और एक और चीज समझेंगे कि जिस तरीके से हरीश रावत साहब ने ट्वीट के जरिए नाराजगी जाहिर की, ट्वीट आया नाराजगी जाहिर की, हालांकि उन्होंने पार्टी के किसी भी पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन पार्टी ने मान मनोवल किया, उन्हें दिल्ली तलब किया गया और उन्हें फिलहाल के लिए जहां तक जानकारी मिल रही है कि मना लिया गया है। तो ऐसे में हरक सिंह रावत साहब ने इस्तीफा तो दे दिया है मंत्री पद से, लेकिन क्या कोई भी गुंजाइश है कि पार्टी आलाकमान उन्हें मनाने की कोशिश कर सकता है? नाराजगी बहुत बड़ी है और वो नाराजगी अब सरकार भी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी नाराजगी पेश करने का तरीका बहुत अलग था। उन्होंने कैबिनेट में कहा कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनने की वो मांग लंबे समय से कर रहे थे, और कोटद्वार की जनता से उन्होंने ये वादा भी किया था जब वो विधायक बने थे, क्योंकि अब समय बचा नहीं है कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने का। और बड़ी चीज ये है कि
मेडिकल कॉलेज बनना वहाँ संभव भी नहीं है। उसकी मुख्य वजह ये है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज होता है, यानी कि पौड़ी जनपद में कोटद्वार आता है तो पौड़ी में श्रीनगर में पहले ही मेडिकल कॉलेज है, तो एक जिले में दो मेडिकल कॉलेज बनना भी संभव नहीं है। और यही कारण उन्होंने और यही तर्क उन्होंने हाईकमान को भी दिया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि और कोई रास्ता भी दिखता नहीं है कि भाजपा उनको मना ले। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब भाजपा किस किस को मनाए, हरक सिंह को मनाए, उमेश शर्मा काऊ को मनाए, और इनके साथ ही कई बड़े नेता और हैं जो नाराज चलेंगे और धीरे धीरे वो भी अपनी नाराजगी हाईकमान के सामने रखेंगे। तो अब बड़ी चुनौती भाजपा के पास होगी कि वो किस किस को मनाते हुए नजर आएंगे। जी सुभाष, थोड़ा सा मानकों के जरिए और समझाने की कोशिश कीजिएगा कि चुनाव बिल्कुल सर पर है, चुनाव हालांकि चढ़ रहा है लेकिन बिल्कुल सर पर है, तो ऐसे में हरक सिंह रावत का आज का मंत्री पद से इस्तीफा आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा, क्या पासा पलटने की कुब्बत रखता है? तो बिल्कुल, हरक सिंह रावत का ये कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत जिस भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं जीत कर वापस आते हैं और अंतिम 10 दिनों में वो उस विधानसभा सीट पर तैयारी करते हैं। तो कहा जा सकता है कि अपनी सीट को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हरक सिंह रावत करेंगे। लेकिन उनके साथ ही जो उमेश शर्मा काव है वो भी रायपुर से बड़े कद्दावर नेता है और ये कहा जा सकता है 2017 के विधानसभा चुनाव में वो ऐसे विधायक थे उत्तराखंड के जो सबसे अधिक वोटों से जीते थे, लगभग 35,000 से अधिक वोटों की लीड के साथ वो विधानसभा पहुंचे थे। तो उनकी लोकप्रियता इस चीज से दिखती है कि आखिरकार उमेश शर्मा काऊ का उस सीट पर क्या वर्चस्व है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन बड़े नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस को मजबूती जरूर मिलेगी, लेकिन क्या इसका खामियाजा ये कहा जा सकता है भाजपा को भुगतना ना पड़े, उसके लिए भाजपा किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करती है, भाजपा किस तरीके से अपनी नई रणनीति बनाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिला के ये साफ है कि हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा का और कई अन्य विधायक जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जी बिल्कुल, और सुभाष देखिए, हालांकि चुनाव से पहले दल बदल कोई बड़ी बात नहीं है और ये आम बात है, जैसे विधायकों पर अगर कोई आपराधिक मुकदमा होता है तो वो भी आम बात मानी जाती है, ये राजनीति है। लेकिन इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि जनता इसको किस तरह एक्सेप्ट कर रही है, साथ ही साथ समर्थक और कार्यकर्ता, क्योंकि बड़े नेताओं के खुद के समर्थक और खुद के कार्यकर्ता भी होते हैं, तो वो इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे कि कल तक कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में गए फिर बीजेपी के बाद आप एक बार फिर कांग्रेस में आ रहे हैं, तो कार्यकर्ता इसको किस तरीके से देख रहे हैं और साथ ही साथ जनता का क्या इस पर विजन होगा? तो बिल्कुल कहा जा सकता है हरक सिंह रावत इस मामले में बहुत एक्सपर्ट रहे हैं, क्योंकि वो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस से उन्होंने भाजपा का दामन थामा और वापस अब भाजपा से वो कांग्रेस जा सकते हैं। कुल मिला के ये तो साफ है कि हरक सिंह रावत मौका देखते हैं, जहां उन्हें बेहतर मौका मिलता है वो उस तरफ पलट जाते हैं। अब उन्हें कांग्रेस में एक बेहतर मौका दिख रहा है तो वो कांग्रेस की तरफ अब उनका रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जनता उसको किस नजरिए से देखती है, ये तो साफ है कि 2017 में जिस तरीके से बड़ा दल बदल उत्तराखंड में हुआ था, सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की गिर गई थी इस दल बदल के चलते, उसके बाद भी तमाम वो जो लोग जिन्होंने दल बदल किया सभी विधायक जीत कर विधानसभा पहुंचे। तो कुल मिला के ये साफ है कि जनता का रुख विकास कार्यों की जगह उन चेहरों पर जरूर होता है और ये बड़े चेहरे हैं जो अपने बलबूते पर जीतना चाहते हैं और जीत के दिखाते हैं। लेकिन इस बार क्या समीकरण बनते हैं, क्या जनता की नजरों में खड़े उतरते हैं नहीं उतरते हैं, ये तो 2022 का चुनाव बताएगा और वो किस सीट से चुनाव लड़ते हैं ये भी अभी एक बड़ी चुनौती है। जी ठीक है सुभाष, विस्तार से चर्चा के लिए और तमाम जानकारी को लगभग बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेगा, हम आपसे समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे सुभाष गौड़ जुड़े हुए थे जो तमाम जानकारियां दे रहे थे, साथ ही साथ जाते जाते उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत दरअसल मौसम वैज्ञानिक है। मौसम वैज्ञानिक का मतलब यह है कि वो मौसम वैज्ञानिक इस तरह से है कि वो समझ लेते हैं कि कहां पर उनका फायदा है, कहां पर नफा है और कहां पर नुकसान है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हरक सिंह रावत बीजेपी में गए तो जरूर लेकिन बीजेपी में वो खुद को कभी एडजस्ट नहीं कर पाए, तो एडजस्ट न कर पाने के कारण अब चुनाव सिर पे हैं, ऐसे में दल बदल शुरू हो चुका है और हरक सिंह रावत बड़ा चेहरा बड़ा नाम उत्तराखंड की सियासत का और अब एक बार फिर वो कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं जैसे कि यशपाल आर्य ने की है। तो फिलहाल के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहले ब्रेक किया इसको न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरक सिंह रावत के जाने के बाद क्या समीकरण बनते हैं, क्या कुछ सियासत होती है और सत्ता का टेम्परेचर कहां तक पहुंचता है, इस पर लगातार हम जानकारी आपको देते रहेंगे, मुहैया कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।